वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेंटेनेंस इंजीनियरिंग जुगाड़। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एनर्जी मीटर EM306 ए की पैरामीटर सेटिंग। तो इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये ज़्यादातर मीटर आपको इंडस्ट्रियल फैक्ट्री वगैरह में मिलेंगे। ये एक इंडिविजुअल पैनल पे लगाए जाते हैं कि उसके ऊपर कितनी एनर्जी कंजप्शन हो रही है। तो जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो, ये सिलेक्ट कंपनी का मीटर है और इसका मॉडल है EM306 एम्पियर। ये थ्री फेज न्यूट्रल है और इसके अंदर जैसे कि दिखाया हुआ है 100 इम्पलेंस। ये 100 इम्पलेंस का मतलब है अगर इस 1000 बार ये बत्ती जो इंडिकेटर कूलिंग करेगा तो एक रीडिंग आएगी। और रिवर्स का मतलब है ये इंडिकेशन तब जलता है जब अगर आप सीटी के कनेक्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो सीटी के कनेक्शन गलत होंगे तो रिवर्स का इंडिकेशन जलेगा, जिससे KWH ओके नहीं आएगी। तो अभी मेरे कनेक्शन ओके हैं तो इसलिए रिवर्स का इंडिकेशन नहीं जल रहा है। इसमें आपको 4 बटन मिल जाएंगे। ये इंटर बटन है और ये बैक बटन है, ये अप बटन है, अप बटन है, ये डाउन बटन है, डाउन अप के 4 बटन हैं। तो इसकी सेटिंग के लिए हम चलते हैं इसके प्रोग्राम में। आपको इसके प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले आपको एंटर और प्रोग्राम की जो बैक एरो की है वो दोनों को प्रेस करना है 3 सेकंड के लिए। जैसे ही 3 सेकंड के लिए आप प्रेस करोगे यहाँ पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। तो पासवर्ड इसका फैक्ट्री पासवर्ड है इसका, वो 10 है। तो आपने अप और डाउन की से इसको 10 बार प्रेस करना है आप की को, और इसको 10 करके आपने एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको ये चेंज पासवर्ड के बारे में पूछ रहा है, जो यहाँ पे नो है। तो हमें इसका पासवर्ड चेंज नहीं करना है। अगर आपको करना है तो आप यस कर सकते हो इसको, या फिर इसको नो पे रहने देते हैं। तो इसको एंटर कर देंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है सीटी के बारे में, सीटी नहीं हम मीटर के बारे में। तो ये 3 फेज 4 वायर मीटर है तो इसको हम 3 फेज 4 वायर सिलेक्ट कर देंगे। ये अलग अलग आते हैं, जैसे आप इसे चेंज भी कर सकते हो, जैसे 3 फेज 3 वायर 3 फेज 4 वायर हमारा मीटर है, हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये सीटी सेकेंडरी पूछ रहा है। तो सीटी सेकेंडरी जैसे 5 है तो उसके लिए आपको सीटी के ऊपर रेशियो लिखा होगा। जैसे ये 155 एम्पियर की सीटी रेटिंग है तो इसमें हमें सीटी की सेकेंडरी रेटिंग जैसे कि 5 डालनी है। तो इसे हम कम भी कर सकते हैं, जैसे एक भी होता है या 5 होता है। हमारी 5 है तो हमने 5 सेलेक्ट कर दी। उसके बाद आपने इंटर सेलेक्ट करना। इंटर करने के बाद सीटी प्राइमरी पूछ रहा है। तो प्राइमरी इसमें 200 है तो हमें 200 नहीं है, हमारी 150 है। तो इसको हमने डाउन की दबा के इसको 150 करना है। ये हमने इसकी प्राइमरी को 150 कर दिया। उसके बाद हमने इंटर दबा देना है। इंटर दबाने के बाद रीसेट का बोल रहा है, रीसेट हमें नहीं करना है। तो इसके लिए इंटर दबा के हमें यहाँ से दोनों की को बार बार प्रेस करके 3 सेकंड प्रेस करके बाहर निकल जाना है। तो ये हमारी रीडिंग बता रहा है। तो इस तरीके से इस मीटर की सेटिंग होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।